लकी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है फॉन्टेक का SW0017 मल्टीमीडिया स्पीकर। आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसके साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो बॉक्स जो है कुछ इस तरह का दिखता है, और बॉक्स में यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ब्लूटूथ कम्फर्टेबल है, यानी कि इसे आप ब्लूटूथ से चला सकते हैं। यहाँ पे USB कार्ड और SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं, पेन ड्राइव या SD कार्ड। और इसमें AFM रेडियो भी आता है, और ये 2.1 है। तो साइड में आपको यहाँ पे MRP देखने को मिलता है, जो 3,800 रुपये है। और बस इसका और कुछ डिटेल्स, जैसे ये 2.1 है, ये ऑक्स इनपुट सपोर्ट करता है, USB SD कार्ड NFC कार्ड ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ वर्शन है जो 4.2 है। ब्लूटूथ का रेंज 10 मीटर, FM रेडियो, इक्वलाइजर भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ आप जब मेमोरी कार्ड या आप पेन ड्राइव से चलाएंगे तब ये काम करेगा। मेन सब ऑफर है, ये 20 वाट का है। इसका सब ऑफर आपको 20 वाट का आउटपुट देगा, और इसका दोनों स्पीकर जो एक एक 10 वाट का है और दो मिलकर 20 वाट का, यानी कि टोटल आपको 40 वाट का आउटपुट देखने को मिलता है इस स्पीकर में। और यहाँ पे सेटेलाइट स्पीकर जो है वो फोरम्स है, सबवूफर जो है वो भी फोरम्स है, और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। तो ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको कि स्पीकर कैसा है। तो सामने की तरफ आपको कुछ कंट्रोल मिल जाता है, जैसे कि ये वॉल्यूम कंट्रोल है, जिससे आप सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको ट्रेबल या बेस के लिए एक्स्ट्रा कोई भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता। और ये बटन है प्ले पॉज के लिए, ये मोड चेंज के लिए, जिससे आप ब्लूटूथ, FM और ऑक्स इनपुट या SD कार्ड पे जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन देखने का आपको मिलता है। और सबवूफर के साइड में यहाँ पे आपको मेन ऊपर जो है मिलता है, ये 4 इंच का है शायद, ये इतना डिटेल से नहीं मालूम, जो आपको 20 वाट का आउटपुट देता है। और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाता है, ऑक्स इनपुट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दो स्पीकर के लिए आउटपुट मिल जाता है, और यहाँ पे एक पावर स्विच। ये जो वायर है ये बेसिकली एंटेना है, जिससे आप FM चला सकते हैं। तो अगर सैटेलाइट स्पीकर का बात किया जाए तो जो स्पीकर है कुछ इस तरह का दिखता है, जो आपको 10 वाट का एक स्पीकर मिल जाता है इसके अंदर। और ये टोटल जो है प्लास्टिक है, वायर जो है लगभग आपको 1 मीटर का देखने को मिलता है इसके साथ, देखने में अच्छा है। और सब ऊपर का जो बॉडी है ये प्लास्टिक नहीं है, ये वुड है, या आप कह सकते हैं प्लाईवुड है। दो सैटेलाइट स्पीकर मैंने कनेक्ट कर लिया है स्पीकर के साथ, और हम इसे पावर देते हैं और चेक करते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो जो स्पीकर है मैंने कनेक्ट कर लिया है इसे अपने PC से, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये ऑक्स के थ्रू प्ले होगा, तो मैं अभी प्ले करता हूँ, साउंड एंजॉय कीजिए। साउंड जो है ये डिफॉल्ट में प्ले हो रहा है, अभी मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि साउंड जो है बहुत ही लाउड है। ये 10 जो है ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट जो है 10 इस वॉल्यूम पे ही हमेशा रहता है। और ये वॉल्यूम जो है ये आप लगातार घुमा सकते हैं, वॉल्यूम जो है कुछ ऐसा है जो रुक नहीं जाता, अगर इसे घुमाते हैं तो घूमता ही जाता है। I'm
कॉपीराइट इशू के लिए मैंने ज़्यादा साउंड नहीं प्ले कर पाया, तो लगभग अब अंदाज़ा लगा सकते हैं जितने भी आपने सुना है कि बेस जो है ठीक ठाक है। प्राइस रेंज ये लगभग आपको 3,000 के अंदर में मिल जाता है, तो इस प्राइस में ये जो साउंड है वो काफ़ी मुझे ठीक ठाक लगा। बेस भी ठीक है, लेकिन और भी अच्छा होता अगर इसमें आपको कुछ कंट्रोल और ज़्यादा मिलते, जैसे कि बेस कंट्रोल और ट्रिबल कंट्रोल अगर मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। और एक चीज़, बॉक्स के अंदर आपको ये रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसे आप कुछ बहुत सारे कंट्रोल है, जैसे ये मोड यहाँ पे मिल जाता है, पावर है, और ये जो बटन है आपको काम आता है बेसिकली जब आप पिन ड्राइव से या मेमोरी कार्ड से कुछ प्ले कर रहे हो। और यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक इक्विलाइजर बटन है, और यहाँ पे एक आपको ऑक्स केबल भी मिलता है बॉक्स के अंदर ही। तो ये कुछ सामान है जो आपको बॉक्स के साथ मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और भी कवर हो सकता था तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई सवाल हो तो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे।